का प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें जो है 10 तारीख को एक बजे करीब में घटना हुई थी नॉर्थन थाना अंतर्गत, उसमें जो है एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय शिवान के निर्देशानुसार एक SIT टीम की गठित की गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे और इसमें आगे अनुसंधान में और गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किए गए तो उसी क्रम में दिनांक 22 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो कि बाइक से जो UP की सीमा है वहाँ से और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे जो कि भागने में सफल रहे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार की गई जो कि मिथुन है और ये वहीं के बरई पट्टी गांव हैं, उसी के रहने वाले हैं। उनसे आगे पूछताछ की गई तो इनके पास से उस समय एक आर्म्स भी मिला जो कि पिस्टल है आपके सामने है और 6 कारतूस भी हैं। उसके बाद जो है आगे जांच पड़ताल में इस पूरी घटना का जो उल्लेख किया गया, जिसमें कि उनके साथ में अन्य 5 लोग सम्मिलित पाया गया एवं अन्य कुछ अज्ञात है जिसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो बरामदगी है उसमें आपके समक्ष ही है। इसमें जो सामान है इसमें पायल है 9 जोड़ा, उसके अलावा बचकानी पायल है 7 जोड़ा, नाक का कील है जो कि सोने का प्रतीत होता है इसमें 20 है, ये ओम का लॉकेट है 2 है, हनुमानी लॉकेट 1 है, एक देसी पिस्टल है, जिंदा कारतूस 6 है, उसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, इसके साथ 2 मोबाइल फ़ोन है। अन्य हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य भी चीज़ें अगर आती है जो कि इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पे। तो आगे ये है कि जैसे मिथुनपुर में गोपालगंज जेल में बंद थे तो वहाँ इनकी जान पहचान पंकज यादव से है जो कि पहले भी लूट से संबंधित अपराध में वहाँ पे जेल में पूर्व से बंद है। तो जब मिथुन वहाँ से शराब के कांड में गए थे 3 महीने बाद ये छूटे तो बराबर उसके संपर्क में रहें और वहाँ से जो है कुछ लोगों को इनके पास भेजा गया जो कि दुर्गा पूजा के समय इनके द्वारा रेकी की गई थी बाज़ार में और उसके बाद जो है इन लोगों ने 5-6 लोगों की एक टीम बनाकर उन्होंने ये पूरा उसका रेकी किया और फिर इस घटना को अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।